आइए इधर से भी एक सुंदर सा गीत जो वास्तव में हमें बहुत पसंद है, हमारे दिल के करीब है। गीत ही है दिल के करीब है और कुछ नहीं है। तेरे दिल में क्या बात है, मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूँ। आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूँ। आ मेरी जान मैं तुझ में अपनी जान रख दूँ। ये तो कहना है या? अरे देखा है मैंने गुरु जी ये सपना, कुछ तुम्हें मैंने अपना। अब आदरणीया इसमें जिसने जो सपने देखे हैं, स्वप्न देखे हैं, वो सत्य हो गए। क्या बात है, हरिचंद महाराज ने स्वप्न देखा कि मैंने अपना राजपाट दान में दे दिया, उनका सपना सत्य हुआ। अरे जो है कहा नपू से सत्य करना। करना जो है कहा नब उसे सत्य करना, और संकल्प करना पर ये कहां पे करना। तो सत्य सपना बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भैया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आप देखें दूसरा सपना चौपाई के माध्यम से। त्रिजटा ने स्वप्न देखा, सबहो बोली सुनाए सपना, और सीता इसे ही करो ही तपना, और सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। तो सुनिएगा, देखे हैं सपना जो नैना हमारे। सुबह बच्चे इनाम में।
सुरेंद्र भैया बाबा गुरु का ख्याल करते हुए देखा देखे हैं सपना जो नैना हमारे सेना दसानन की कपी एक मारे ये और सपने में लंका को पानर है जारे खाए है फल बाटिका को उजारे ये और फिर सपना सत्य हुआ सत्य सपना करे कभी सम्मान करी के ये सत्य सपना करे कभी सम्मान करी के ये अली मेरी मां को विधि की विधि को मान कर अली मेरी मां को विधि के अपनी मान कर के स्वप्न देखा और उसकी सहेली चित्रलेखा ने सपना स्वप्न सत्य किया अनिरुद्ध का हरण करके क्या बात उषा कहने लगी चित्रलेखा से का सुनो सखी अरे सपने में मैंने सखी जिसको देखा
अपने अरमान रख दूं। आ मेरी जान, मैं तुझ में अपनी जान रख दूं। हरिश्चंद्र पूरा हो गया, हनुमान और एक चित्रलेखा वाला यानी उषा। चलिए बढ़िया गाना है। अब आपने सपना दिखाया है, साकार हुए। आइए उत्तर में प्रयास करती हूं, मैं वादा बताने का प्रयास कर रही हूं। क्या बात, कि जो वादा किया वो टूट गए। क्या बात, इसी बात की गुड़िया है। जैसे हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थे, आवाहन किया वरुण देवता का, वरुण देवता का आवाहन किया, वरुण देव प्रकट हुए। हरिश्चंद्र ने कहा कि मेरे कोई संतान नहीं है, अब मैं वादा करता हूं कि मेरी जो पहली संतान होगी, मेरी जो पहली संतान होगी मैं आपको भेंट कर दूंगा। समय बीता, हरिश्चंद्र के पुत्र हुआ, लेकिन हुआ क्या? क्या प्रथम पुत्र हो श्रीमान दूंगा। क्या बात है, क्या बात है, कि खुशत्वादी श्रीमान दूंगा। लेकिन जब पुत्र हुआ, समय बीत गया, वरुण देव आ गए, बोले श्रीमान जी आपने कुछ वादा किया था कि जो प्रथम पुत्र होगा मैं आपको समर्पित कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? वरुण देवता ने कहा तो किया वादा मगर मुख को मोड़ लिया है। क्या बात है बुढ़िया, ऐसा लग रहा जवाब नहीं दे रही, सवाल कर रही हो। सही बात, कि किया वादा मगर मुख को मोड़ लिया है, श्रीमान जी वादा अपना तोड़े। तोड़ दिया है, एक टुकड़ा और मिला। लंका पहुंचे, नहीं अगर कहीं गड़बड़ी हो तो जरूर खड़े होकर के बोल देना, हो सकता है हमसे भी, हम कोई धरती के तोंदी थोड़ी है। और क्या है, प्रयास है। अंगद पहुंचे लंका, कहा
मेरे प्रभु से संध कर लो, माता जानकी को वापस कर दो। रावण नहीं माना, बहुत समझाया अंगद ने, रावण नहीं माना। अंगद ने कहा तुम्हारी लंका में कितने योद्धा हैं? रावण ने कहा ये सब योद्धा ही हैं, जितने बैठे सब योद्धा हैं। अंगद ने अपना पैर जमा दिया, पैर जमा दिया और ललकार करके रावण से कहा